नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा एक बार फिर से ढेर सारी खबरों के साथ आपके लिए आ चुकी हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूं कि हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ एक महत्वपूर्ण खबर जो है माँ गंगा के बारे में। यूँ तो माँ गंगा के बारे में जितना कहा जाए, जितना सुना जाए उतना कम ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल जो स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता हैं कानपुर से, उन्होंने माँ गंगा के बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को 80 टीमों का गठन किया है। ये तमाम टीमें लोगों को माँ गंगा की पवित्रता के बारे में जागरूक करेंगी। जितनी भी माँ गंगा से सटे गांव या शहर हैं उनमें बसे लोगों को माँ गंगा के बारे में बताया जाएगा और साथ ही उसको पानी को बचाने के लिए भी उनको जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ माँ गंगा के सारी इतिहास और सारी पुरानी कथाएं भी लोगों को बताई जाएंगी ताकि उसकी महत्ता का एक बार फिर से हर किसी को एहसास हो सके। अब आपको बताते हैं प्रियंका सौरभ की रिपोर्ट के बारे में कि वो क्या लिखती हैं, जो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, कवियत्री भी हैं। आपको बता दें कि वो लिखती हैं कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं महामारी की दोहरी मार से उभरने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में काम करने का अधिकार अनिवार्य रूप से पूंजीवाद और कार्य नैतिकता से जुड़ा हुआ है। काम करने का अधिकार पूंजीपंतियों के विरुद्ध शोषण का अधिकार है। ये पूरी तरह से उचित दृष्टिकोण है। यदि आप वास्तव में मानवता के भविष्य को देख रहे हैं तो कोई सक्षीण दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। काम पूरा होना चाहिए, काम रचनात्मक होना चाहिए और काम को अपनी जगह पर रखना चाहिए। जी हाँ, शहरी रोजगार और प्रशिक्षण इसके साथ है। नए रोजगार के अवसर पैदा करने का विचार भी है ताकि वो लोग जो बेरोजगार हैं वो आसानी से नियोजित हो सके और ऐसे में जीवन जी सके जो उनके संपूर्ण जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सके। जैसे बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए ये सुनिश्चित माना गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहर जो उत्तर प्रदेश में हैं, वो एक बार फिर से कारण ये है कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए जितने भी उम्मीदवार बैठे थे उनमें इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया है। जी हाँ, 900 पदों के लिए ये उम्मीदवार बैठे थे जिसमें कि 700 जो इंग्लिश मीडियम के उम्मीदवार थे उनका चयन किया गया है और लोगों का मानना ये है कि ये भेदभाव हो रहा है जिसके कारण लोग बहुत ही मायूस हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि आखिर ये भेदभाव क्यों है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो भी जांचकर्ताएं होते हैं, परीक्षा की जांच जो करते हैं, वो खुद इंग्लिश मीडियम से होते हैं। इसी कारणवश शायद ये बात मानी जा रही है कि शायद यही कारण हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम के जो भी उम्मीदवार बैठे हैं उनका चयन ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदी माध्यम से बैठे हुए लोग ज्यादा थे जो परीक्षा में बैठे, लेकिन चयन 900 में से 700 इंग्लिश मीडियम वालों का हुआ। अब ये भेदभाव का कारण अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन देखना होगा कि आखिर ये कारण क्या है। लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब भेदभाव हुआ है, बल्कि ये सालों से चला आ रहा है और इसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। हर किसी के घर में गैस की बहुत ही ज़रूरत होती है, हर कोई गैस की बुकिंग कराता है। लेकिन आपको एक खास जानकारी बता दें कि अब आप Amazon ऐप से भी गैस की बुकिंग करा सकते हैं और ऐसा करने में आपको फ़ायदा भी होगा। जी हाँ, सुन के ज़रूर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन
अब Amazon ने ये सुविधा आपके लिए मुहैया करा दी है कि आप Amazon ऐप पर अपनी गैस की बुकिंग करा सकते हैं। और साथ ही साथ फायदा क्या होगा वो आपको बता दूं, आपको ₹50 कैशबैक मिलेगा जो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो अगली बार जब भी आप गैस बुक कराएं तो Amazon ऐप जरूर चेक कर लें, क्या पता आपका फायदा हो जाए। ₹50 कैशबैक तो आपको जरूर मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकता है, ये आप जरूर करके देखिएगा। क्या आप लोग जानते हैं कि अब 15 जनवरी 2021 से नए साल का पहला महीना और उसकी 15 तारीख से लैंडलाइन से मोबाइल पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको 0 लगाना यानी 0 लगाना अनिवार्य होगा। जी हाँ, मोबाइल से मोबाइल या लैंडलाइन टू लैंडलाइन किसी भी मोबाइल पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपको 0 लगाना अनिवार्य नहीं होगा, या आप लैंडलाइन टू लैंडलाइन करते हैं तो भी ऐसा नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप लैंडलाइन यानी फिक्स्ड फोन से किसी भी मोबाइल नंबर पे कॉल करना चाहते हैं तो आपको 0 लगाना होगा। ये शुरू होगा 15 जनवरी 2021 से। जिस तरीके से हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा फोन बन चुका है और फोन के अंदर गूगल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जी हाँ, जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम गूगल को याद करते हैं, और गूगल ने भी हमारे लिए कई सारी चीज़ें, कई सारे प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिसमें कि एक है गूगल पे, जिससे हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं और अन्य तरीके के पेमेंट या बिल भी पे करते हैं। और अब एक और बात गूगल ने स्पष्ट रूप से कह दी है भारतीयों के लिए, और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का एक्स्ट्रा भुगतान भारतीयों को गूगल पे के थ्रू नहीं करना होगा। जब भी हम गूगल पे में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा भुगतान देना होता था, जो अब नहीं देना होगा। ये भारतीयों के लिए विशेष रूप से सूचना है। तो अगली बार जब भी आप गूगल पे से कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना होगा। अगर आपका सपना है नई कार खरीदना लेकिन किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो अब मारुति सुजुकी आपके लिए एक नया प्लान लेकर आया है जिसके अंतर्गत आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। दरअसल मारुति सुजुकी ने 4 शहरों के लिए, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, गंगानगर जैसे शहरों के लिए में रहने वाले लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक नया प्लान, एक नया ऑफर लाया है। और उस ऑफर के अंतर्गत आप 24 से 48 महीनों के लिए नई कार किराए पर ले सकते हैं, अपने घर ला सकते हैं और चला सकते हैं। जिस तरीके से आप कार किराए पर ले सकते हैं उससे आपका सपना भी पूरा होगा। और साथ ही साथ बड़ी कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी ने जैसे ये प्लान बनाया है तो उसके अंतर्गत जो भी लॉकडाउन में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मोटर कंपनी को आराम से हो जाएगी। तो अगर आप इन शहरों में रहते हैं और आप कार खरीदना चाहते हैं तो आप मारुति सुजुकी सेंटर जरूर जाइएगा। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार और नई तमाम खबरों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। और जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं तो जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करके आपको नोटिफिकेशंस आपके फोन पर आती रहेंगी। साथ ही साथ हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में आप ये न्यूज शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।